जय हिंद साथियों, मैं चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा बोल रही हूँ। इस समय चांदनी चौक के कोतवाली थाने के बाहर खड़ी हूँ। अंदर SHO राजीव जी से मिली, एडिशनल DCP से मेरी फोन पे बात हुई है और जो जानकारी मिली है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पे एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो वीडियो मेरी विधानसभा चांदनी चौक कोतवाली का है। वो वीडियो ये है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट, इसका जो है ब्राइटनेस ऑन करो, ब्राइटनेस हो गया। मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है वीडियो? ये वीडियो बताया जा रहा है चांदनी चौक कोतवाली का है, जहां पर एक शख्स को भीड़ जो है वो मार रही है। और ये वीडियो दिल्ली कोतवाली का हरगिज नहीं है, ये मैं आपको यकीन दिला रही हूँ DCP को मिलने के बाद। ये वीडियो मेरठ का है, इसका दिल्ली कोतवाली से कोई लेन देन, मेरी विधानसभा से लेन देन नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है और आप इस वीडियो को दोबारा जब देखेंगे, इसमें एक होटल का नाम आ रहा है, सहारा होटल। मेरी चांदनी चौक विधानसभा कोतवाली में कोई सहारा होटल नहीं है। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, मेरठ के वीडियो को दिल्ली का वीडियो बताकर कोतवाली में ये बताना, मॉब लिंचिंग हुई है, दो धर्म आपस में इस तरीके से मारा गया है। मैं यकीन दिला रही हूँ मेरी विधानसभा चांदनी चौक में बहुत प्यार भाईचारा है, हिंदू और मुस्लिम एक रहते हैं, यहाँ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। वीडियो पूरी तरह से सच है, लेकिन दिल्ली नहीं मेरठ का है, पहली बात। दूसरी बात, क्या कोतवाली चांदनी चौक में ऐसा कोई हादसा हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक ही कम्युनिटी है, मारने वाला भी और मरने वाला भी, दोनों एक ही समुदाय के हैं। और ये दोनों चांदनी चौक कोतवाली के नहीं, बाहर से थे, दिल्ली के बाहर से थे। एक ईयरफोन बेच रहा था, दूसरा ईयरफोन खरीदने आया। उनकी खरीद में कोई बातचीत में झगड़ा हो गया, उनकी लड़ाई तक हुई। लड़ाई में दूसरा जो खरीदने वाला था और बेचने वाला, मरने वाला और मारने वाला, एक ही समुदाय के हैं, इसलिए इसको धर्म की नजर से मत देखिए, हाथ जोड़कर कहूंगी। उसमें उस शख्स को पीटा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोगों ने नहीं, मात्र दो लोगों ने, जो दुकानदार थे और खरीदार थे, उन्होंने पीटा, लड़ाई हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया, जो शख्स है उसकी मौत हो जाती है। पुलिस में FIR दर्ज कर ली गई है। उसी समुदाय का दूसरा आदमी जो बेच रहा था दुकान में, जिसने मारपीट की, जिसकी वजह से उस शख्स की, उसी के समुदाय के दूसरे शख्स की मौत हुई, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। FIR की जहां तक बात है, पुलिस से फिर मेरी बात हुई और DCP सिविल लाइन SHO कोतवाली ने यकीन दिलाया है कि अभी जो FIR है वो 304 गैर इरादतन हत्या, 304 में FIR दर्ज हुई है। लेकिन अगर ये भी विश्वास दिलाया गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है कि उस शख्स की जो मौत है वो पीटने से हुई है, मारने से हुई है, तो ये यकीन दिलाया गया है कि जो FIR 304 में दर्ज की गई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही उससे FIR को 302 गैर इरादतन नहीं, हत्या के इरादे से ये हमला किया और आदमी की मौत हुई, उससे 302 में दर्ज किया जाएगा, ये विश्वास मुझे यहाँ से दिलाया गया है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिना अगर दबाव में हम 304 को 302 करते हैं, तो जब अदालत में ये केस पहुंचेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ और होगा, FIR में कुछ होगा, तो ये केस स्टैंड नहीं करेगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहती हूँ, चांदनी चौक की विधायक को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, यहाँ बहुत प्यार और बहुत भाईचारा है। बहुत बार कुछ असामाजिक तत्वों ने कोशिश की कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़का कर, लड़ा कर, मोब लिंचिंग करके, कुछ भी इस तरह की अफवाह जो अभी चल भी रहा है, वीडियो मेरठ का है, चांदनी चौक कोतवाली का बताया जा रहा है, और बिल्कुल उसका कोई लेन देन नहीं है। कोई मोब लिंचिंग दिल्ली में नहीं हुई, दो लोगों के झगड़े में, दोनों एक ही समुदाय के हैं, अलग समुदाय नहीं है, दोनों एक ही धर्म, एक ही समुदाय के हैं। कार्रवाई हो चुकी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद 304 से 302 होगी, और जिसने भी हिंसा की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी तरह से आप और हम, बिना उसकी जाति देखे, बिना उसका धर्म देखे, बिना उसको अमीर गरीब, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका एफिलिएशन है या नहीं है, बिल्कुल कानून के नजर से उसे देखा जाएगा।
और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। जो कोशिश करते हैं धार्मिक भावनाएं भड़काएं, कुछ और रंग देने की कोशिश करें, ये कतई भी चांदनी चौक की विधायक होने के नाते तो कम से कम मैं नहीं होने दूंगी। पूरी तरह से सतर्क हूँ, लोगों में भी हूँ और थानों में भी जाकर इन चीजों को बता रही हूँ। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो झूठ और अफवाह फैलाया जा रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में पहले लाल कुआं वाला बताया, अब ये बता रहे हैं उस समय भी दो नौजवान लड़कों का पार्किंग को लेकर छोटा सा झगड़ा था और दोनों के पार्किंग के झगड़े को, जो दिल्ली में काम बात हो गई है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, पार्किंग नहीं है, जमीन नहीं है, झगड़े होते, उसको भी मॉब लिंचिंग और बिल्कुल दो धर्मों का बताया गया। पर लोगों को सलाम करती हूँ जिन्होंने ये धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग का अफवाह फैलाई थी, वो सबकी हवा निकाल दी। पुरानी दिल्ली के लाल कुआ के चांदनी चौक के लोगों ने सलाम है। और इस बार भी कहूंगी, इस वीडियो को फैलाइए और बताइए कि जो वीडियो है वो मेरठ का है, दिल्ली कोतवाली चांदनी चौक से जो कोई लेन देन नहीं। चांदनी चौक में यकीनन दो लोगों की लड़ाई हुई, दोनों की लड़ाई में दोनों एक ही धर्म एक ही समुदाय के हैं, एक की मौत हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है और दूसरे को जेल भेजा जा चुका है। तो आप सभी से कहूंगी वीडियो ज्यादा फैलाएं ताकि ये भाईचारा, ये प्यार, ये एकता बनी रहे और अपराध हिंसा करने वालों को सजा हम मिलकर दिलवा सके, ताकि इस गरीब आम आदमी को हम सुरक्षित भी रख सके। जय हिंद, जय भारत।